क्या लगता है आपको सुरक्षा व्यवस्था अभी कितनी बनी हुई है? अब तो सुरक्षा ठीक है, लोगों में असली बात है विश्वास बहाली होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब इस तरह के दंगे होते हैं तो भरोसा टूट जाता है, मतलब आपकी विश्वास होता है तो उसको हम लोग इस तरह की शांति की अपील भी कर रहे हैं, लोगों को भी आपस में जोड़ रहे हैं, बच्चे ताकि आपस में विश्वास बहाली हो और सरकारी तौर पर जो मेरे कर सकते हैं उनको बहुत बढ़वा के उनकी मदद के लिए कार्रवाई कर रही है तमाम तरह से। फिलहाल तो शांति है लेकिन ये अगर कार्रवाई किसी दिन भी इस तारीख को ठीक से हो जाती है, अगर कमिश्नर और पुलिस किसी दिन अमन शांति बनी हुई है, सब लोग अपना व्यापारिक काम से हो गया, लेकिन गंगा तट पर जो लोगों का जान मान का खतरा उसके लिए माननीय मंत्री राजगोपाल गौतम जी हैं, मैं आप क्षेत्र का विधायक हूँ, पुलिस इनका रवाना कर रहे हैं कि लोगों के कितना नुकसान, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, यदि उनके फॉर्म भी भरे उनको फॉर्म भरवाने का काम किया जा रहा, जो भी हमसे हमारी तरफ से सरकार की तरफ से जो भी राहत सामग्री उनको भी दिलवाने का काम किया जा रहा है, उस बह को निकालने के लिए विश्वास दिलवाने के लिए उनके बीच में हम उनके संपर्क में है, सब तरह की उनसे बात की जा रही है, देखिए आप दो दिन से काफ़ी राहत है। सर सुनने में आता है अभी मस्जिद में जो नमाज का प्रोग्राम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। नहीं, अभी एक बजे का समय है, सर चौधरी खड़े हैं, उसके बारे में बातचीत की जा रही है।